ये फोड़ दिया इतना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी संजना सिंह, वेलकम सी ऑल टू माय चैनल। तो आज है दिवाली, तो आज मैंने दो दिन से कोई व्लॉग भी नहीं किया, कुछ ऐसे ही मन नहीं था और कुछ खास हमने कुछ किया भी नहीं, इसीलिए तो अब हम लोग मतलब आज पूजा वगैरह होगी, पूरा सब रेडी वेडी होंगे। तो अभी बजे हुए हैं सुबह के 10 बजे हुए हैं और अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज आई हैं कचौड़ियाँ बाहर से, मेरे मम्मी कचौड़ियाँ निकाल रही, सब्जी निकाल रही हूँ अभी, ये सब्जी कचौड़ी की। और हैप्पी दिवाली गाइस आप सभी को, गाइस हैप्पी दिवाली। और ये मेरे दिवाली के लिए नेल्स, देखो बताना कैसे। और हमारे तो गाइस मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, दिस इज माय बैंगल्स और मेरा आउटफिट आज का, तो बताना कैसी लग रही हूँ। और अभी मैं बनाने वाली हूँ अपनी थोड़ी सी वीडियोस और फोटोज़, क्योंकि मैंने कोई भी फ़ोटोज़ क्लिक नहीं किए थे, दिवाली का कोई शूट नहीं किया था। तो अभी मैं कर लेती हूँ अपने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर मैंने डेकोरेशन की हुई है, इधर लीव्स लगा रखी हैं और मैंने लाइट लगा दी अपने मिरर के साइड में और बाहर मैंने मेन डोर पे भी की हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे घर ये चाचा जी का, ये बड़ी मम्मी का, ये मम्मी देखो अब भी लगी हुई है कुछ ना कुछ करने में और मैं अपना दिखाती हूँ। ये हमारा गेट, शेरा दिवाली के दिन भी नहीं नहाता है, सूगला। अब हो चुकी है शाम के बजे हुए हैं 4:50 और अभी हम लोग बनाने वाले हैं रंगोली। पहले मम्मी ने बना दिया था रंगोली बनाने के लिए कलर वाली, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ये जो इस कैरी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, उसने जो है रंगोली कलर को मतलब चाट लिया था, तो उसकी वजह से ना उसके पूरे बॉडी पे बताने क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए हम लोग ने नहीं बनाई थी, लास्ट ईयर भी नहीं बनाई थी और इस ईयर भी मम्मी मना कर रही थी, बट हम लोग ज़िद कर रहे हैं कि बनाने तो अच्छी लगती है, और इसलिए तो अभी हम लोग रंगोली बनाने वाले हैं, छोटी सी रंगोली बनाएंगे बाहर बरांडे में, ठीक है, और हम दिखाएंगे आपको। हमारे शेर को देख लो कैसे उल्टा होके सो रहा है। हमने अभी अपनी रंगोली बनानी स्टार्ट कर दी है, पहले हम लोग स्टेंसिल से जो है सर्कल बना लेंगे बीच का, स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रही हूँ मैं, बस वैसे बता रही हूँ। तो ये हम अपनी रंगोली का स्टार्टिंग कर दिया, अब जब पूरी एंड हो जाएगी, रंगोली बनकर पूरी रेडी हो जाएगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये सब बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। बोल हैप्पी दिवाली। अब बम फोड़ के दिखा दे अपना, फोड़ियो नहीं चली, सब पता है इसको कैसे चलाते हैं, सब पता है तुझे कैसे चलाते हैं, चला नहीं आई आवाज, खराब कर दी भाई, ईशु ने खराब कर दी अपनी गन, खराब कर दी नहीं चल रही। अभी मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के घर पे उनको स्वीट्स देने, तो मेरी स्वीट्स वगैरह रेडी है, तो अभी हम लोग चलते हैं। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ मानसी के पास, ये इसके लिए गिफ्ट्स आ गए हैं और मैं इनका कान्हा जी दिखाती हूँ आपको, ये बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनाते हैं अपने कान्हा जी को, मैं देखती हूँ और मैं इस महाशय की रंगोली भी दिखाती हूँ, सही है। गाइज मैं आ गई अपनी फ्रेंड के घर से और ये मम्मी दिए लेकर आई हैं अभी, तो ये हीना ने रंगोली बना दी है, तो मैं अभी इसमें दिए लगा दूंगी। हीना ने बनाई है पूरी रंगोली गाइज, मैंने कुछ नहीं किया है इसमें। गाइज मैंने इधर हल्की सी डेकोरेशन की है अभी दिवाली के लिए, मतलब अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, अभी थोड़ी सी की है बस, मैंने लाइट्स लगा दी, शुभ दीपावली लिख दिया, इधर ये लगा दिया रंगोली। और ये हमारी मम्मी जी, आज आप मम्मी से नहीं मिले, आप सभी को हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मम्मी का सूट देख लो भाई, ये मम्मी ने कस्टमाइज करवाया था, अच्छा है लग रहा, बताना लिखने सिलने वाली ने खराब कर दिया थोड़ा।
थोड़ा स्टिचिंग में हो गया ख़राब, कोई बात नहीं। और इधर से मैंने डेकोरेशन की थी, लाइट्स लगाई थी, और ये फ्लावर पॉट उधर रखा था, बट उधर रंगोली बनाई इसलिए हमने इधर शिफ्ट कर दिया। और ये इधर रंगोली रेडी हो गई है, मैंने दिए अभी बर्न नहीं किए हैं क्योंकि ये ख़त्म हो जाएंगे जब तक पूजा होगी। और ये इधर मैंने लीव्स का डिज़ाइन किया हुआ है, पूरे दिन मैं अपने आप को शीशे में देखती रहती हूँ। इधर ये हो रही है खाने की तैयारी, आप हीना दीदी का भी सूट देख सकते हो, इसने पहना आज कफ्तान, वो बता कफ्तान ना कफ्तान है जो भी है, सुंदर लग रही है सुंदर। और ये मम्मी इधर दिए लेकर जा रही हैं अब पूजा के लिए, और हीना बना रही है। गाइस अभी ये कर रहे हैं सब चीज की तैयारी। गाइस ये तो हमने सारे दिए रख दिए हैं, वो संजय ने अपने सिर पे रखेगी और दिए हैं, वो हमारे रंगोली नहीं लड़का था इसको खोलते ना पीछे वाले को। अरे रे मम्मी ये हमारे फादर साहब के लिए आई थी। पूजा संपन्न हुई, हमारी पूजा हो चुकी है डन, और अभी इधर हमारी रंगोली दिया जलने के बाद कुछ ऐसी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। वैसे कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्योंकि धुआं धुआं हो गया है। तो अभी हम सब ने पूजा वगैरह कर ली है, सब कुछ फोटोज वगैरह ले लिए, और अब हम लोग खाने वाले हैं खाना। तो खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत क्रैकर्स बर्न करेंगे, थोड़ा बहुत तो चलता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं और खाना खा लेते हैं पहले। हेलो गाइस, ये एडिया, अब मैं कपड़े चेंज करूंगी, मेरे से जल जाएंगे मेरे कपड़े। वाह, हेलो गाइस, कैसे आप सो रहे हो? हाय, मैं जा कपड़े बदल। फट भी जाओगी यो पिया, इसमें बॉम हो लास्ट में फट जाओगी। शेरा तुझे चुप हो जा। ये लोग देखो मुझे अनार पकड़ा कर चले गए हैं, जिससे मुझे बहुत डर लगता है। गाइस हमारी गली देखो कैसी हो चुकी है, बिल्कुल तुमने की है। मैंने एक भी नहीं फोड़ा, ये रहा। मैंने सिर्फ फुलझड़ी जलाई थी, नहीं ये मेरे को पकड़ा के गए हैं बस, मैंने सिर्फ एक फुलझड़ी जलाई थी। ये भी ले लिया, और इतना ज्यादा धुआं हो गया है बाहर गली में। ये हमारा प्यारा घर, रात को कितना मस्त लगता है ना जब लाइट्स हो। शेरा को सबसे ज्यादा डर लग रहा है, सबसे ज्यादा आवाज इससे होती है। सब कान बंद करके बैठे थे।
और मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरी एकदम से तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, तो मैंने दवाई ली, खाना खाया, उसके बाद मेरे को थोड़ा मतलब आराम मिला, तो इसलिए मैं बाहर आकर बैठी हूँ और इन लोगों को देख रही हूँ क्या कर रहे हैं। तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए मैं जल्दी सो गई थी, मैंने कुछ ज्यादा देखा नहीं क्या हो क्या था बाहर। और उसके बाद इन लोगों ने जो है देखो क्या कांड किया है, मैं दिखाती हूँ। देखो इनने अपना ये जो गंधक होता है पोटास वाला ये फोड़ दिया, इतना ज्यादा चलाया ये इनने। हाँ ये आर्म पार कर दिया रात ने, बताओ आर्म पार।